तो बॉलीवुड स्टार और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या के बारे में कभी इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब लोगों में अयोध्या को लेकर एक भाव पैदा हुआ है। यहाँ पर हम एक ऐतिहासिक मौके के गवाह बनने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने। देश में माहौल राममय है और इस माहौल में हर कोई राम में रम जाना चाहता है, और ऐसे ही कई बड़े नाम हैं जो सदाबहार हैं, और इनमें एक नाम है हेमा मालिनी का, जो अयोध्या पहुंची हैं। हमारे साथ हेमा जी हैं। हेमा जी, आपका शायद पहला अयोध्या दौरा है, अयोध्या को किस तरह से देखा? अयोध्या के बारे में कभी इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी सब लोगों का एक भाव पैदा हुआ है कि मंदिर बन गया है। इनकम्प्लीट है, बट काफ़ी अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो इट्स अ वेरी बिग इवेंट, इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट नाउ, सो वी आर ऑल हियर टू सेलिब्रेट दिस ओकेशन। आप अयोध्या भले ना आई हो, लेकिन सीता के रोल में आपको कितने बार देखा है, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, किस तरह से आप उस सीता के रोल को फील कर पाती हैं जब आप स्टेज पे होते हैं? सी, एज एन आर्टिस्ट, वी वॉट एवर कैरेक्टर वी डू, वी फील फॉर दैट, वी थिंक अबाउट इट, वी गो डीप इन टू इट, एंड देन वी परफॉर्म, अदरवाइज हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। सो सिमिलरली, इफ आई एम सीता, देन आई हैव टू बी सीता, अदरवाइज यू कैनॉट परफॉर्म। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट हैप्पीनेस एंड सोरो वॉट शी वेंट थ्रू, सेम वे विथ द्रौपदी ऑल्सो, एंड ऑल्सो राधा, आई परफॉर्म राधा रास बिहारी कृष्ण के साथ। सो इट इज यस्टरडे व्हेन आई वॉज परफॉर्मिंग, I mean, I am performing in front of some thousands of people, that's fine. But I am, as a character, I feel a lot. I feel Ram is here next to me. Though that character will be some actor is performing, but he is Ram. So with that view I am seeing. So I can feel all the characters are there real. So, बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क यहाँ अयोध्या में हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। हमने चूंकि देखा है, आप शायद पहली बार आई हैं, लेकिन आपको फील हो रहा होगा हर जगह ये जो डेवलपमेंट वर्क है, आप चूंकि एक सांसद भी हैं, ये एक जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको क्या लगता है कितना इसको प्रमोट कर सकता है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? हमारे देश में बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत ही भक्तिभाव के साथ हर जगह आजकल, और ज़्यादा ही हो गया टेम्पल्स में जाने का। So if there is any holiday, they all go for to Mathura जाएंगे, इधर all the religious destination में सब जाने को देखते हैं, बच्चे बच्चों को ले जाके, so that they should also know हमारा history, हमारा संस्कृति क्या है, क्या विरासत में क्या मिल रहा है आपसे बताने के लिए। So it is very important we get connected. Thank you. एनडीटीवी से बात करने के लिए हेमा मालिनी जी, जो अयोध्या में हैं और लगातार यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। 22 तारीख का कार्यक्रम है और इस वजह से आज हर कोई राम के माहौल में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी अयोध्या।